भाई आपका नाम क्या है, फुल नेम क्या है? बबलू बबलू। ये तो बचपन से हमारा काम सब्जी का, माँ बाप ये काम करते रहे, खर्चा ये पेट पाल रहे हैं। बाकी पहले बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं दिला, अभी नहीं नहीं आगे चले तो हम ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो क्या हो गए। तो वही क्या होता है, जो आप खिलाओगे वही हम सब खा रहे हैं जी। तो आपकी वाला प्रोसेस कैसी रहती है कस्टमर के प्रति, कि हम कैसी सब्जियां उनको दे पाए, ये बताइए आप। किस हाल में कुछ छलगल गया उसको? नहीं, उसको धुलाई कर देते हैं, उसको फेंकते हैं। दादाजी वही मैं बोल रहा हूँ, दादाजी बोल रहे हैं। देखो मतलब जो भी है सही बताओ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको गलत नहीं ठहरा रहे हैं सर। अब ग्राहक भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के आते हैं। हाँ। आते हैं कि नहीं आते? सख्त वाली बात। हाँ नहीं, धंधे का ऐसी चीज है कि मतलब दिन भर अगर मेहनत करेंगे सुबह से शाम तक तो ऐसा नहीं है, 200-400 रुपए की मजदूरी बन जाती है। और कभी आपका मन ऐसे भटका हुआ कि हम दूसरा काम कर लें, पापा अपना अलग कर लें, इस तरीके का कभी? धंधा है, कभी डाउन हो जाता है तो मन उदास हो जाता है। हाँ भाई, आपका नाम क्या है, फुल नेम क्या है? बबलू। बबलू बबलू जी, ये धंधा बिजनेस सब्जी का आप कब से कर रहे हैं? ये हो गया एक साल, जनवरी शुरू किया था। जनवरी से कर रहे हैं? तो ये इसके पहले आपके घर में किसी ने किया है, किसी ने आपको प्रोत्साहन दिया है? ये तो बचपन से हमारा काम सब्जी का, माँ बाप ये काम करते रहे। आपके पिताजी करते हैं? तो आप अपना पूरा नाम बताइए पिताजी से। बबलू और आगे? बबलू खेमराज। बबलू खेमराज, तो मतलब पहले आपके पिताजी करते थे, अब आपने ये अलग किया है पिताजी के साथ ही? साथ ही में, साथ में ही, मतलब जो जिम्मेवारी पिताजी की आपने ले रखा जी। अच्छा, तो सब्जियों के बारे में कुछ बताओ कि सब्जियों का आजकल कैसा चल रहा है, महंगी चल रही है नया? पहले महंगी थी, अब तो सस्ती हो गई। सस्ती हो गई जी, टमाटर भी अपने हो गए सब लेवल पर। हाँ, लेवल पे आ गया। अच्छा, और बिक्री मतलब दिन भर में कितने हो जाए जिससे आपको गुजारा, कमाई के माध्यम? अब तो नहीं, नॉर्मल है, गुटखा पानी का खर्चा ही पेट पाल रहे हैं। बाकी पहले बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं दिला? अभी नहीं, अभी उतनी बिक्री नहीं हो रही। तो इस दुकान को आप और विशालतम रूप देकर देना चाहेंगे, अपनी दुकान को विस्तृत करना चाहेंगे या यहीं तक? नहीं, कोई लक्ष्य को उद्देश्य बनाया आपने? नहीं आगे चले तो हम भी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो क्या हो गए। तो वही आपकी सोच पूछ रहा हूँ कि आप मतलब इसको क्या बढ़ाना चाहोगे? नहीं बढ़ाना चाहेंगे, बढ़ाना चाहोगे? बहुत बढ़ाना चाहना चाहेंगे जी। कम से कम जिला लेवल पे आपकी दुकान जी, इतनी चाहत रखते हो आप जी। तो सब्जियों के बारे में फिर हमें अच्छे से आप बताइए, जैसे कद्दू है, सब फ्रेश सब्जियाँ कहाँ से आती हैं, कहाँ से लाते हो और उनको आप ताज़ी कैसे रखते हो? अभी तो ये आती है आप बाहर से आती है, जैसे इंदौर हो गया, बंगलोर हो गया, यहाँ लोकल में तो पानी भर गया बाहर। लोकल में जो आटा सब्जी मंडी है वहाँ से नहीं आती है? नहीं, ये आती है हमारी, ये बाहर आटा की सब्जी मंडी वहाँ से आती है। पूरे इंडिया में तो वहीं से सब्जी आ रही है। दादाजी आप ही बोलिए। दादाजी आप, आप तो पहले से अनुभव किए, आप तो, आपको तो बहुत अनुभव होगा, बहुत दिनों से कर रहे हो आप बताइए धंधा कैसा है और इसमें मतलब लोग देखो, ये भी आप उत्पन्न का और लोगों को भरपोषण कर रहे हो, इसमें क्या होता है, जो आप खिलाओगे वही हम सब खा रहे हैं जी। तो आपकी मतलब प्रोसेस कैसी रहती है कस्टमर के प्रति, कि हम कैसी सब्जियां उनको दे पाए, ये बताइए आप। तो अपनी तरफ से आप कस्टमर को अच्छी सब्जी देना चाहते हो ना? जैसे माल खराब भी वहाँ लाते हैं, सफाई करके फिर सफाई करके, जैसे माल कुछ बच जाता होगा तो बचे हुए माल को अगले दिन सेल कर धुल के फिर लगा के बढ़िया से चाट भी उनके, फिर उसकी साथ उसमें कुछ सलगल गया हो तो? नहीं, उसको धुलाई करते हैं, उसको फेंकते हैं। दादाजी वही मैं बोल रहा हूँ, दादाजी बोल रहे हैं। देखो मतलब जो भी है सही बताओ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको गलत नहीं ठहरा रहे हैं सच, लेकिन सबसे रूबरू हो बता, क्योंकि मैं आपसे इंसानियत जानना चाह रहा हूँ। इंसानियत के प्रति जैसे दादा हैं, बाबा हैं, इन्होंने इंसानियत देखी है, गुजारी है, इनको अनुभव होगा, कि आप अपना अनुभव शेयर करो कि पहले के ज़माने में कितनी ईमानदारी थी और आज के ज़माने में कितनी ईमानदारी है, इसका डिफरेंस में जो तो अंतर है वो आप बताओ। पहले जब आपने शुरू किया था फेंक देते हो? नहीं, पहले की बिक्री में, पहले की बचत में, पहले की ग्राहकी में, अब ग्राहक भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के आते हैं। हाँ। आते हैं कि नहीं आते हैं? देखो सख्त वाली बात। हाँ, पहले नहीं आते थे ना, अभी अभी ग्राहकों के कई रूप है, सतरंगी रूप है, हर टाइप का ग्राहक मिलता होगा, अलग अलग हर टाइप के ग्राहकों को आप एक साथ मतलब एक ही 50,000 में देखते हो? अलग 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 देखते हो। और भाव रेट सबके लिए सेम बताते हो या फिर अलग? नहीं, भाव रेट तो एक ही रहता है। अच्छा, तो आपका उद्देश्य यही है, हमें इसको विशालतम रूम देना है, मतलब विशालतम बनाना है दुकान को, और नए लोग जो इसको सब्जी का धंधा करना चाहें तो माता जी उनके लिए क्या होगा, कैसा रहेगा, एक मिनट लीजिए आप बताएं। जैसे कोई करना चाहे तो ये बिजनेस कैसा है, उनको आप कुछ बचा पाएंगे, कुछ कहेंगे उनके लिए? आप बोलिए, आपके पास माइक रखना है। मतलब कोई सब्जी ये आप धंधा कर रहे हैं
ये धंधा करने के लिए अच्छा है, लोग इससे खरीदे तो सब्जी हम भी बेचे, या कैसा धंधा मन में इसके पीछे क्या विचार रखते हैं? भाई धंधा एक ऐसी चीज है कि मतलब दिन भर अगर मेहनत करेंगे सुबह से शाम तक तो ऐसा नहीं है, 2-3-4 रुपए की मजदूरी बन जाती है, दाल रोटी चलेगी, चल जाएगी। अच्छी शिक्षा अच्छी व्यवस्था नहीं, अच्छी कमाई हो धंधा हो तो फिर नहीं है। अच्छा ये है कि और कभी आपका मन ऐसे भटका हुआ कि हम दूसरा काम कर लें, पापा अपना अलग कर लें, इस तरीके का कभी? अब धंधा है कभी डाउन हो जाता है तो मन उदास हो जाता है, उदास हो जाता है, वही हम बन जाना चाहते। और इंसान के प्रति आपका लगाव कितना है, मतलब जो ग्राहक है उसके प्रति आपकी कैसे कैसा लगाव? वो डेली वाले बंदे ग्राहक है, वो तो डेली जो आता है हमारा 2-3 हज़ार 2-5 हज़ार रुपये का दुकानदारी, वो तो पर्सनल ग्राहक जो बंदे हैं डेली के, वो तो रेगुलर हैं, बाकी जो चीज़ थी वो चीज़ नहीं रह गई है अभी मौसम के वजह से या सीजन के वजह से। तो सर्दियों में दुकानदारी थोड़ी बढ़ती होगी, बारिश में थोड़ी डाउन हो जाती है। तो माता जी बाबा जी नमस्कार, जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर, आपकी कार उन्नति हो, खूब तरक्की, धन्यवाद।